स्पेशली इन दिस फील्ड तो ये भी है ना कि आप इतना अर्सा फिर चल भी नहीं सकते इफ़ यू डोंट हैव हंगर मुझे याद है मैंने नस्ट में लंडन से वापस आके वीडियो जर्नलिज्म पढ़ाया आई वॉज ओनली वन जो पढ़ के आया और मैं काम भी कर रहा था कुछ बिकॉज बाकी तो वो ये कि ट्रेडिशनल आप जर्नलिस्ट हैं और वीडियो जर्नलिज्म पढ़ा रहे हैं और आई वॉज टीचिंग मास्टर्स को वीडियो जर्नलिज्म wow. और उसमें आठ स्टूडेंट्स uh, थे hmm. उनमें से शायद कोई एक आधा अभी जर्नलिज्म में हो जैसे मैं लाइक यू आर डूइंग मास्टर्स और वीडियो जर्नलिज्म मतलब लाइक आई वाज लाइक यार ये अपेड टू बी ऑनेस्ट वो देख के आई थिंक देन यू फील लाइक यार मतलब व्हेन आई वाज लाइक इन माय यूनि उस टाइम तो मुझे था कि यार ये मतलब सबसे फारे स्टूडेंट्स ही हम लोग हैं बट देन यू रियलाइज कि नहीं यार लाइक द हंगर एंड द वो जो एक होता है ना आप में कुछ हो यार कि मैंने कुछ करना है दैट इज़ लाइक यार आई डोंट नो वाई इज मिसिंग मेरी अपनी बहुत सारी थ्योरी होंगे लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर यार कि फाइन जिया ने आपको इस पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया सिनेमा ले लिया लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना लिथार्ज पूरी कॉम अब देखें कुछ भी हो जाता है कुछ नहीं होता दैट खैर बट इसको भी कहेंगे या मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैंने अब कुछ लोगों के साथ बैठ के एक चीज सीखी है एक जनरल कॉम नहीं हो सकती पूरी एक वर्ड एक पूरी कॉम पर होगा ना बहुत डेंजरस है वो जबकि मैं समझता हूँ शायद हो लेकिन इसमें इसमें इसकी जो क्या कहना चाहिए इसका जो क्लाइमैक्स है ना फिल्म का बहुत ही डार्क है अगर होपलेसनेस ना मैं गुजरा उससे यार मैं आप बात ही नहीं करता कि यार मुश्किल है इंडस्ट्री बेटा कहीं और चले जाओ पाकिस्तान से मैं इतना ज़्यादा टूल्स दे के आता हूँ बजाय ये बोलूँ कि मैं बात ये करता हूँ यार मुझे तुम स्टोरी बताओ पेन लाओ पेंसिल लाओ लिख के दिखते हैं बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है थीम क्या है लॉग लाइन क्या है मोटी मोटी चार चीज़ें बोल के जाएँ मैं बताऊँ इट्स वेरी इजी टू से विशेष साइकिल है चिकन एंड एग है धमाका है चिकन पहले आई एग पहले है। मैं कहता हूँ सारी चिकन ही पहले आई है लॉक करो क्योंकि चिकन ही अंडा देती है अंडा अंडे से नहीं अंडा दे सकता चिकन देती है अंडा तो बात ख़त्म हो जाए मैं कहता हूँ टीचर्स का इशू है खत्म बात लॉक करें इस बात को टीचर्स में विजन नहीं है ताकि वो बड़ा है बड़े को पकड़ो पहले छोटा ही लोहड़े को तो कुछ पता ही नहीं करना है करना क्या तो मैं अभी भी कहूँगा अभी पढ़ाने वाले ना यार वो इंजेक्शन नहीं लगाते हैं वो खाना पूरी होती है हल्की सी हैचुनेटली जितने लोग फिल्म मुझे कराची इंडस्ट्री मार्केट का नहीं पता बट इस्लामाबाद में वो सारी थ्योरीज वाले हैं आप उनसे खुद पूछें यार आपने कितनी फिल्म्स बनाई हैं एग्जैक्टली बहुत मैंने इसीलिए मैं जॉब ही नहीं लेता मेरी बीवी कह रही है चलो जॉब नहीं कर पढ़ा ले मैंने कहा मैं जॉब नहीं करूँगा मैं जो भी यूनिवर्सिटी मुझे बुला ले जितना मैंने सीखा है जुगाड़ू चीज़ें कब कैमरा जो तुम्हारा कब कैमरा मैन जो कह रहे हैं वो अब काम नहीं करने वाला है गोली मार रहा है जिसने पर्चा गलत रखा हुआ है या यू शुड नो दिस और वो जाके मैं उसी वक्त समझा सकता हूँ जब मैंने किया हुआ है वो मैं ये कभी भी नहीं बता सकता कि ये अलग कैमरा मैन जो पूरे दिन ए सी के कोस्टर में घूमते रहते हैं आज बलूचिस्तान में फ़ोर्टी टू डिग्रीज है ये नहीं निकलेगा नहीं। ये वहीं से बोल देगा सर अच्छी लोकेशन है गुड मैंने उतरें मोबाइल निकालें इस एंगल से कैमरे का शॉट मुझे दें फिर इसका इलाज ही हम हमने टैलाना रवा किया ना फोर्टी टू डिग्रीज में जून में शूट हो रही थी वो बीस बाईस दिन की शूट बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट था हमने सब गाड़ियों के ए सी बंद करवा दिया क्योंकि जो पहले लगता ना शुरू के चार दिन यहाँ से कराची से गवादर काम ही नहीं हो पा रहा सही काम ही नहीं हो पा रहा सही मैंने कहा यार मसला किया है कोई तरता क्यों नहीं है जल्दी क्यों नहीं आते हो सुबह छः बजे सुबह छः बजे शॉट बेकार हो गया साढ़े पाँच से छः बजे तक है आपका सन सही साढ़े छः के बाद वो वाइट हो रहा है नहीं पकड़ता रेड कैमरा एलेक्सा नहीं।, नहीं पकड़ता उसको प्रॉपरली अच्छा आ जाओ बेटा आ जाओ हमने कहा ऐसे की तैसे बंद करो सबके ए सी दस दिन तीन दिन चार दिन बहुत प्रॉब्लम रही क्योंकि मेरा भी ए सी बन मेरी गाड़ी मैं वही गाड़ी चला था जो वीडियो में है टूटी पूटी लैंड रोवर है वाइट रंग की मैं वो उसको खुद चलाता था खनहा ते खराब तक ले ईरान का बॉर्डर इंडिया बॉर्डर खंजराब तक तो पॉइंट मेरा यह था आप करके दिखाएं बोले ना कि इस मुल्क में ये बहुत बड़ा इशू है लोग बोलते बहुत बड़ी बड़ी बातें कर नहीं सकते तो मैं सिखा सकता हूँ वो हरकतें जो कि लिटली ऑन द ग्राउंड स्पिलबर्ग भी नहीं सिखा सकता पाकिस्तान के बारे में क्योंकि उसको पाकिस्तान का नहीं पता उसको फिल्मों का पता होगा थोड़ा सा मुझे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बताएं कि व्हेन यू मूव्ड इनटू स्टार्ट मेकिंग द फिल्म वो सारा हाउ डू यू सी द पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिकॉज एक बहुत बड़ी आई थिंक टी वी का अगर आप देख लें एक तनकीद कह लें या जो लोग ओवरऑल इसको देखते हैं कि उसमें वही घिसे पिटे सास बहू लव स्टोरीज चल रही हैं मतलब उसमें भी सर अब बाहर आई uh, रिम्बर मतलब आई रियली लाइक एक कोई पोलिटिकल अच्छा थ्रिलर बने यू you नो know, उसने क्या नाम है अशर ने मेरे ख्याल से वो बनाई एक मूवी और वो बेचारे देख लें हाँ यू नो भाई की कोशिश यू you नो know, हुई फिर धुआं एक ज़माने में वह पुराने जितने भी कुछ थे सो वो चीज़ हमें कोई नया कुछ नहीं नज़र आ रहा अभी तक भी अनफॉर्चुनेटली अभी मौलाजाट और तो बीच में आई हैं जैसे बार ये वो सारी आपकी आई जीरो टू वन ये वो कुछ कुछ आपको ज़रा वो दाने उस तरह नज़र आते हैं बट ज़रा एक इंडस्ट्री जब तक प्रॉपर डिवेलप नहीं होगी तो आप फिर हाउस ऑफ कार्ड्स तो नहीं बना सकते ना या आपको स्कैंडल्स आपने बनाना है या आपने आई डोंट नो कोई सूट्स बनाना है या कुछ और सो so, उसकी आपको क्या वजह लगती है कि मतलब व्हाट्स द लाइक कहाँ हम आके रुक जाते हैं ये अगर उसको लेस से लास्ट पार्ट को पकड़ते हैं हम पीछे चलता हूँ अगर मैं सही साल ले जाऊँ बात को दिस इज़ नॉट एन इंडस्ट्री पहली चीज़ इसको डिसाइड लॉक कर दें वही चिकन और एक वाली बात नॉट इंडस्ट्री इंडस्ट्री वो थी जो मैं बोलूँ मुझे आज सॉरी मुझे आज चाहिए आईफोन का रिक चाहिए कैमरे की बैटरी के साथ और उसमें माइक्रोफोन लग जाए ऊपर मैं जा रहा हूँ मेरे पास एटलीस्ट पच्चीस ऑप्शन आने चाहिए एक ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास एक आएगा सर वो लाहौर में एक दोस्त है मेरा मैं पूछ के बताता हूँ मैंने आईफोन बोला मैंने अभी आरी फ्लैक्स नहीं बोल दिया अच्छा आईफोन पे पर शूटिंग कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मैंने किए हैं पूरा कमर्शल किया आज से पंद्रह साल पहले वो आईफोन पे नहीं नोकिया पर एट के पे किया टाइम टाइम लैप्स हूँ स्टिल क्या होता है स्टॉप मोशन खैर तो मेरा पॉइंट ये आरी फ्लैक्स आप बहुत बात करते हैं इंडस्ट्री की मुझे कैमरा चाहिए आरी तो अब तो आरी की बात हो रही है इट्स नॉट कस्टम टोटल के 25 होंगे पाकिस्तान में आठ रेडी हैं फीचर फिल्म करने के लिए जिसमें से चार होंगे प्रॉपर फीचर फिल्म करने के लिए गोरा आए कैमरे पे आप कहते हैं यार ओके आई लाइक द सेटअप मेरा मॉनिटर सही है ठीक है एफ स्टॉप सही है सारे फोकस सही है लेंस के ठीक है गुड और टीम अच्छी है ठीक है जिसमें चार होंगे टोटल ऐसा हैंडी क्राफ्ट शॉप ऐसा हॉबी शॉप मैं आपको बताऊँ पावर आपको वो चाहिए जो कि क्योंकि मैं रोडों पर बहुत चल रहा हूँ पिछले सात साल से आपके पास एक सॉलिड इंडस्ट्री है वो है, ट्रक इंडस्ट्री ट्रक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स की आप नोट करें पूरा उसका इकोसिस्टम है उसको कंप्लीट होटल से लेकर खाने से लेके उसका एक्सेल टूटेगा तो उसी वक्त पूरी गाड़ी पहुंचेगी एक्सल खुल रहा होगा रोड के ऊपर ही लोडेड है उतरा भी नहीं स्पेशल जैक्स हैं कि पूरा लोड उठाए नीचे लोग सो रहे होते हैं रात में सोते हैं फिर दिन में काम करते हैं कहीं भी किसी जगह किसी वक्त टोइंग सर्विस है कोई आ फ्लेक्स का किसी को नहीं पता सर्विस कैसे करना है ख़राब हो जाए तो करें क्या उसका सर जी आ, फिल्म बंद कर दो फिल्म बंद कर दो भाई क्रेजी पच्चीस लाख पर डे का है चालीस लाख पर डे का खर्चा हो रहा है फिल्म बंद कैसे कर देंगे सब घर जाए फिल्म कैमरा तो वहाँ से मंगवाएं लाहौर से ये तो तो यार ये इंडस्ट्री नहीं है फर्स्ट चीज़ ये समझने की जरूरत है और इसमें हमारी टी वी कमर्शियल की इंडस्ट्री ना लेट्स गो बैकवर्ड टी वी कमर्शल की इंडस्ट्री का इशू है मैं समझता हूँ जब हम लोगों के पास पैसे आ रहे थे हम टी वी कमर्शल के डायरेक्टर्स हम लोगों ने अपने घर बनाए बॉस सब ने क्या तो मैं घर नहीं बना पाया लेकिन फिर भी हम बोलूँगा मैं अपने आप को लग नहीं करता फॉर से फॉर मिनट हमने गाड़ियाँ बनाई हम लोग पैसे बात कर रहे हैं एक डायरेक्टर दो डायरेक्टर तो ऐसे हैं कि बारह करोड़ रुपए पर एड लेते हैं मेरे को समझा दे बारह करोड़ रुपये खर्च कैसे होते हैं मुझे को समझा दे और उस पर खर्चा कितना आ गया एक करोड़ आ जाएगा दो आ जाएगा तीन आ जाएगा बहुत हुआ है, बहुत हुआ है चार आ जाएगा जिसमें अगर पाँच हज़ार आदमी लेके आ गए जो कि आप नहीं लाते पाँच हज़ार आदमी भी नहीं लाते झूठ बोलते हैं बैंकॉक में भी शूट कर लें पोलैंड ले जाए टर्की ले जाएं आप पार्टी करा दें क्लाइंट को आप मसाज पार्लर सब करवा दें उसके अंदर जो जो होता है बैंकॉक आपके काम आपके खांचे में चले गए थोड़े क्लाइंट को दिए थोड़े घर ले गए बाकी चार करोड़ एक महीने में ये एक ऐड है ऐसे दो करते हैं आप तीन करते हैं ओके यू आर डीलिंग विद वॉट ट्वेल्व करोड़ पर मंथ ट्वेल्व करोड़ रुपीस कब पिछले चार साल पाँच साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं hmm. तो ये कोल्ड ड्रिंक वाले ऐड छोटे नहीं हैं बॉस दीज आर बिग एड्स ये जो नॉर्मल एक आम बंदा जब ये देखता है को पेप्सी या कोई भी ब्रांड हो नॉट लाइक सेइंग पर्टिकुलरली कोई

अब उसमें भी आप देखें ना आपको पता नहीं याद हो वो जो एक गूगल ने किया था एट जिसमें वो एक बाबा जी अपनी बेटी या पता नहीं बेटे के थ्रू इधर अंदरून अब वो चीज़ ना मे भी एक आधा शायद आया हो अभी हमने आई थिंक वो शान ने किया था वो चाइनीज कोई किसी को बट हाँ, वो चीज़ अभी भी मतलब अगर आप इंडियन इंडस्ट्री मार्केट को देखें दैट्स जस्ट लाइक मतलब मेरे साथ खुद फिल्म में थे लोग अब वो उस जमाने में मतलब एज ए स्टूडेंट उनके जो आइडियाज़ और वो मेरा टू बी होना शौक ही बहुत कम था बट स्टिल अभी भी आप देखिए उनके जो बिल्कुल यूट्यूब वाले सादे सादी फिल्म हैं एड्स हैं वो मतलब आई एम श्योर ज़रा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है बहुत मच्योर है बट पाकिस्तान में आई डोंट नो मतलब इट्स आप इसको अगर मैं आपको खोल के देता हूँ अपनी इस एडवर्टाइजिंग की किताब खोलता हूँ आपको इनमें से कितने डायरेक्टर्स ने कभी काफका पढ़ी हो या कोई ऐसी चीज़ पढ़ी हो डेप्थ वाली हो तो आपको नजर आएगा कि एक ऐड है दूध का ऐड है उसमें आप दिखाते हैं कि वो चीज़ें दिखाते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हूँ लेकिन बहुत ही yeah. उसना सफ़ीनाज की दुनिया mm. में एग्जिस्ट करती हैं वो माँ बहुत गोरी है ब्लो ड्राइड हेयर होना बहुत ज़रूरी है उसके चार स्ट्रिक्स गोल्ड के होना मैं आई एम टेलिंग यू द इनसाइड कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा कि जो कि मेरा अपना कोई ओपिनियन है ये बातें मीटिंग्स में लॉक होती हैं बोली जाती हैं हमने तेल का ऐड किया था उसमें दिखाना था कि यार डार्क और थोड़ी सी ओवर ओवर वेट औरत हो भी तो चलेगी तो हमने कास्टिंग की बड़ी मुश्किल से हम भी चरियापा करते हैं एड्स के अंदर भी वो हरकतें करते हैं मोर में करते हैं हम लोग इसलिए हमें काम ही नहीं मिलता एड्स हमने कहा चलो ये लड़कियों की सामली एक्ट्रेस है बहुत मशहूर एक्ट्रेस है एंड में क्या हुआ बॉस आप इमेजिन नहीं कर सकते या इसको ब्राइट कर देंगे थोड़ा तो और ब्राइट करें इसको और ब्राइट करें इसको आई एम लाइक करेंगे मतलब आप कह रहे हैं कि ब्रांड का बंदा साथ बैठा हुआ या और थी आपकी कोर थी कॉन्सेप्ट यही था कि वो सांवली लड़की को हम लेके आएंगे जो लगे पाकिस्तानी लगे बड़ी आपने तीर मारा आपने कहा कि हम बहुत जबरदस्त काम करेंगे आर्टिस्टिक काम करेंगे समिता पटेल जैसी लुक आएगी उसमें से कद्दू भी नहीं है वो एंड में आके पूरा फोटोशॉप करवाया उस लड़की को गोरा किया थोड़ा सा दुबला कर लें गोरा कर लें इसको मैंने कहा नो पॉइंट वी हैव टू टेल दम कि हम जिंदगी में दोबारा काम नहीं करेंगे आपका काम क्योंकि हम लोग मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई मसाया हूँ पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन यहाँ मेरे को एंड में खुशी हो थोड़ी सी ऐड करके अब हमारा एम का ऐड है हमें बहुत अच्छा लगता है एम आर का ऐड देख के हम लोग एस का, का काम करते हैं हर साल मुझे बहुत मज़ा आता है एस का काम करने में जबकि अराउंड चार्ज एनीथिंग अपनी फीस तो पॉइंट मेरा यह है एडवर्टाइजिंग के अंदर खुल के बात होती है लेस से आजकल वेलो का ऐड चल रहा है इस अ बैंड प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड काफ़ी यहाँ पे खुल के ऐड बन सकते हैं कि एक लड़की जो है वो थोड़ा डाउन थी उसे खाया उसको बहुत डांस कर रही हो वो पाखल हो गई मैंने oh, कहा वो एक्सक्यूज मी क्या कोकेन है इसके अंदर वो चल रहा है पूरा प्र... गानों का प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर नॉट डेट कि मैं कह रहा हूँ गाने या ये ना यूँ न चाहिए भाई एक सेकंड ये प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में बहन है ये मुझे कोई समझा दे कि यहाँ ये चल कैसा रहा है कैसे हो रहा है अभी अब तो बैटिंग आप साहब देख लें जो पाकिस्तान में उस तरह लीगल नहीं है बट वो पूरे पूरे क्रिकेट का आपके पी के ऊपर एड्स आ रहे हैं कौन से लिगे? जो जो बैटिंग ऐप्स हैं जो आप बैटिंग माय गॉड ये भी हो रहा है अच्छा हाँ हाँ, मैं क्रिकेट देखता नहीं मेरा ट्रॉमा होता हार कहीं मैंने देखा नहीं हो मतलब बैटिंग होती पूरी मतलब वो ऐप्स उसकी जो है वो एडवर्टाइज हो रही हैं जो लीगल मतलब लीगली अगर कोई यूज कर रहा है मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है मेरे ख्याल से लीगली नहीं है मतलब इंडिया में अभी लीगल हुई है बैटिंग ऑफिशली बट अभी यहाँ तो फोनो वाले आप पी देख लें करते धरता कौन है एर वाई फिल्म बना रहा है एर वाई न्यूज़ वाले फिल्म बना रहे एर वाई इससे पहले गोल्ड बेचते थे ठीक है उससे पहले वो दुबई में क्या करते थे आयर और नो क्या करते थे लेकिन ये कि वो तो फिर कलाब्रेशन उनकी नहीं जैसे हमियों की कौन सी है वो सेवन स्काई मेरे ख्याल से बिगेस्ट पार्टनर फिर हमने भी वो इंटरटेनमेंट से अब न्यूज़ पे आ गया मेरे ख्याल मैं से. आपको वा बताऊँ जब इंडस्ट्री नहीं होती ना जिसकी लाठी उसका पूरा लॉट भैंस नहीं पूरा लॉट उसका होता है मैं एक टीवी प्रोड्यूसर के पास गया हूँ उसको मैंने फिल्म बेची 92 वर्ल्ड कप मैंने पूरी वर्ल्ड कप की फिल्म लिखी गया पिच करने गया वो खातून है अच्छे 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 लोग हैं वो लेकिन बुरे बुराई भी नहीं बोल रहा मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट सिनेमेटिक कॉन्सेप्ट जब मिसिंग होता है मैं आमने सामने बैठा कहना अच्छा जहाँ बताओ स्टोरी मैंने कहा तो स्टोरी नाइन्टी वर्ल्ड कप की इमरान खान I mean, mm -hmm. वैसे अच्छा गुड अच्छा बात सुनो लड़की कौन होगी अच्छा अभी स्टोरी बारह लड़के में सोचा बारह लड़के कहा लड़की कहाँ दाल हो गई पाए लड़की होगी फिनिश्ड मीटिंग टेक्निकली मीटिंग इज ओवर थर्टी सेकेंड्स में सम बडी रिजन है विजन कोर कॉन्सेप्ट सिनेमा क्या होता है ये वही लोग हैं इनको ये नहीं होता फेड इन यहाँ लिखना है या फेड इन वहाँ लिखना है और इंडस्ट्री वो होती है जब कोरियर का ये इतने स्पेस पे अगर फेड इन यहाँ नहीं लिखा होगा वो स्क्रिप्ट पढ़ते ही नहीं हॉलीवुड ऐसा पढ़ते ही नहीं यार एमेचोर वी कॉन्ट वेस्ट टाइम मैंने एक दफ़ा मुझे याद है हमारे एक विजिटिंग वो फैकल्टी जो आते हैं कभी कभार टीचर्स वो एक आया जो बी बी सी वन का कोई ड्रामा बना रहे थे अब वो मैंने जो पी पी सी वन का कोई बंदा आया जो बता रहा है कि यू नो अब उसने हमें सेट की पिक्चर्स दिखाई तो आई उस देखिए ये ये तो शहर है भाई और फिर उसको जाते हुए पता नहीं मैंने एक कहा मैंने कहा मुझे कुछ टैंपलेट्स अगर आप दे दें जहरा यूनिवर्सिटी के भी अपने टैम्पलेट्स थे और वो टैंपलेट्स मैंने देखना शुरू किए हैं कि आपने जब कोई भी चीज़ करनी है तो प्रॉपर टैम्पलेट और यहाँ तो और मैं बताऊँ तो किस किस चीज़ को पकड़े हुए कहना क्या क्या गलत है अब मेरे पास इतना जम्बल डप हो जाता है ना आइडियाज़ मेरे में कैसे एक्सप्लेन करूँ क्या क्या जम्बल वो गलत है तो मैं अगेन वही कहूँगा मैं टॉप को पकड़ूंगा दोबारा मैं उस लाइट वाले को नहीं पकड़ूंगा जो टाइम पर नहीं आ रहा है जो कि वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लड़का लेकिन बहुत हो गया उनको पकड़ना क्योंकि उसकी गलती नहीं उसको लाइट दी गई ऐसी ही यार अब आप आ जाते हैं विजन की बात करें आपका विजन है या नहीं 92 वर्ल्ड कप मुझसे आप स्टोरी मंगवाई आपने मुझसे लिखवाई है आपने पूछा है क्या होगा फिर हम लोग क्या सोच रहे हैं क्या यह वकार यूनोस को डिस्को में डाल दें एक लड़की वहाँ पे भी हो सकती है कोई डांस वाली लाइक ओ होल्ड ऑन आई एम नॉट डूइंग दिस फिल्म नहीं करेंगे हम भाड़ में जाए फिल्म तो लोग वजह कहेंगे यार आप कुछ ज़्यादा एलीट हो जाते हैं इन बातों में कोई बीच का रास्ता बीच निकालना होता बीच, बीच का रास्ता नहीं होता जब आपकी अपने ख़ानदान की बात आएगी जब आपका स्कूल में आप जज कर देंगे हमारी बेटी कौन से स्कूल में जाएगी अमेरिकन स्कूल या ब्रिटिश स्कूल आप कभी नहीं बोलते कि उसको वहाँ डालो गवर्नमेंट yeah. स्कूल में नहीं डालते yeah. आप तो जब हमारे लिए यार नॉट दैट कि मैं कोई वो हम लोग बचपन से ट्रेंड हैं कोशिश ये है करते हैं शेर जीव ले की फिल्म देखो मोर कुछ तरह कोशिश कर लो कभी भी नहीं पहुंच पाए हम वहाँ तक एक शॉट नहीं दे पाए पूरा, पूरा पूरा एक सीक्वेंस था ब्लैक एंड वाइट कॉपी करना था मुझे ट्रिब्यूट के लिए नहीं कर पा रहा था मैं लिटरली मुझे पता है ये है

ये लाठी भैंस वाली बात है कि यू कैन नॉट डू सर्टन थिंग्स यू विल हैव टू हैव अ आइटम नंबर क्यों है मुझे आइटम नंबर मुझे नाचने गाने से कोई इशू नहीं लोग कन्फ्यूज़ करते हैं इस बात को हम लोग स्टोरी टेलर्स हैं हम स्टोरियाँ कंप्लीट स्टोरी बताओ ये तो बीच में आइटम नंबर से इशू ये स्टोरी नहीं है ये प्रोड्यूसर ने कहा मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए एक औरत के नाचने से आई हैव दैट अगर आपको यही करना है तो फिर आप हेडलाइट एरिया जाएं आप पिंप हैं वो भी यही बोलता है आप अपने आप को सोफिस्टिकेटेड क्यों दिखा रहे हैं फिर कि मैं तो लैंड रोवर में से उतरता हूँ नहीं आप में कुछ कोई फ़र्क नहीं है मेरी एक्चुअली हेडलाइन ये छप गई थी एक दफ़ा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में तो बड़ा फड्डा हुआ था इस बात पर बट ऑल्सो आई मीन ये बड़ी हिपोक्रेसी नहीं है कि हम वही ज़रा एकट तबका ही एक, एक एक तब है जो फिल्म डायरेक्टर्स कह लें या जो यू नो प्रोड्यूसर्स ये वो सारे एक साइड पे वुमेन राइट्स और वो वली सारा का सारा वो आप कर रहे हैं और फिर वही खवतान या वही जो मर्द हैं आप मतलब फिल्म्स देखें तो आप या ड्रामे देखें वो थप्पड़ भी लग रहे हैं तो और, और भी। मैं बताऊँ सॉरी मैं बात काट रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी मेरी हसन जैदी से ये बात हो रही थी एक दिन हसन जैदी सर कहते हैं ये हमारा कल्चर है हमेशा तो, से है नाच गाना मैंने कहा नाच गाने को नहीं सनोल्ला भी फिर यही कहते हैं कि अगर हम गालियाँ टी वी दे रही हैं तो पंजाब का कल्चर है मतलब एग्जैक्टली तो मेरा खालि उससे ये था कि लसन सिनेमा में एक चीज़ है जो हमारी कोर है ना सिनेमा की वो ये है कि व्हेन यू सी समथिंग शोले में मैं वीरू बनना चाहता हूँ गब्बर सिंह बनना चाहता हूँ ओके ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है या कोई ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ ये हमारी कोर वैल्यू है हम कॉबॉय फिल्म को देखते हैं तो को ऐसे बैठ के गन निकालेंगे हम करते हैं ये जब आप चिकनी चमेली का वीडियो बनाते हैं उसमें डालते हैं ऐसे मर्द जो के फजूल में आप स्टूडियो टाइप कर रहे हैं औरत को भी उन लोगों को भी जो रक्षा ड्राइवर टाइप और उस तबके को भैया एग्जैक्टली exactly वही हर दफ़ा वहीं हिट करते हैं कि चार सौ मर्द हैं वो शराब की बोतल हाथ में है उनके बेसिकली वो बस ड्राइवर को पकड़ रहे हैं वो रेप्लिकेट करेंगे उस चीज़ को बिकॉज बच्चा रेप्लिकेट करता है का बॉय बनता है वो जे बनने की कोशिश करता है ये कोर वैल्यू है सिनेमा की अगर आप कहते हैं यार कोई रेप्लिकेट नहीं होता देन सिनेमा डाइज जस्ट जस्ट डाइज इन फिनिश उसमें बात ही नहीं हो सकती oh. जब कोई रेप्लिकेट करता है तो दिल्ली में वो हुआ जो सौरस के साथ हुआ hmm. और औरतों के साथ होता है अगर आप कहते हैं चलो मैं कहता हूँ चलो फिर भी हो सकता है कि लोग नहीं करते सिनेमा देख के नहीं होता या नहीं होता होगा लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर होता है, एक परसेंट चांस भी है वी से वी विल नॉट डू इट क्योंकि चांस है शायद इसको देख के लड़कियों को चुटकियाँ काटें जो कि हो रहा है चुटकियाँ काटें ये करें अब वो रेप हो जाए वॉट एवर जैसी क्लॉक ऑरेंज का सबको पता है जब वॉल एक क्राइम रेप्लिकेट हुए क्यूब्रेक डेड वॉट लंडन में से उसने फिल्म उतरवा दी अपनी लगी हुई फिल्म क्लॉक वर्क ऑरेंज क्यूब्रेक ने कहा उतार दो एग्जैक्टली exactly वही क्राइम्स वही हरकतें शुरू हो गई थी टेक इट डाउन दैट्स एम सिंह आप और दूसरी चीज आइटम नंबर आप इंडस्ट्री नहीं बेच सकते िकॉज आप चले दूसरी चीज़ लेके आते हैं आप की जो मुन, बिल्ली है कभी उनकी मुन्नी से बेहतर नहीं हो सकती क्योंकि वो कर रहे हैं सौ साल से आप कर रहे हैं कि उसको देख के अपनी बिल्ली लेके कर आए hmm. यहाँ मुन्नी बिल्लियाँ हम लोग ये इंडस्ट्री इस तरह नहीं चलती आप जडाइज लेके आए आप स्टोरियाँ बताएं आप सत्याजित करें आप कमर्शल फिल्में करें ये मुन्नी बिलियाँ नाचना गाना दो फिल्में दो फिल्मों के बाद आदमी कहेगा यार ये लड़की मैंने देख लिया मुझे कुछ और दिखाओ दैट्स द कोर वैल्यू ऑफ पोर्न लिटरली कोर वैल्यू ऑफ पोर्न नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरे दिन नेक्स्ट पूरा पे चेंज होगा आपका बिकॉज ये चलता उसी पर कोर वैल्यू वही है और दूसरा अमीन एक और भी है ना कि आपने वो जो हम जिक्र करते हैं नेशनल हीरोज़ की सो नेशनल हीरोज़ तो चलें छोड़ें लेकिन आपके जो बच्चे बड़े हो रहे हैं आपके पास कोई लोकल हीरो ना आपने असल में कुछ किए ना फिक्शन में आप कोई कर सके हैं आपके वही हैं वो जो नाइन्टीज़ में कुछ बैंड्स हो गए कुछ यू नो नसरत से लेके और मतलब अर्ली टू थाउजेंड ऑनवर्ड आई डोंट पर्सनली नो एनी वन के जिसको आप कह सकें वो ठीक है या आपके वक्त वक्तिला है या वो आपके मतलब आपके फिर यही रह गए जो टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स और और मैं तो बैंड्स के भी लस से ओके मेरी बहुत थ्योरी हैं लेकिन इनमें से सारी थ्योरी वो हैं जो कि मैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं कोक का ऐड नहीं करता हूँ मैं पेप्सी का ऐड नहीं करता हूँ सुपर अंड हेल्दी कोक सुपर एंड हेल्दी कोक का सी ई थिंक आया था मैं कोक की लाइटिंग कर रहा था बिलाल मकसूद के लिए खाली बिलाल के लिए कर रहा था उसने कहा लाइटिंग कर दो उस मेरी तो वहाँ पर खड़ा था वो बस आया हमी हमने आपको दो ऐड भेजे थे एक महीने के अंदर मैंने कहा आपने दोनों मना किया हां मैं मतलब उसका उसने मुझसे बोला एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस ना मैंने कहा यू नो व्हाई उसने दोबारा सवाल नहीं पूछा अच्छा समझ आ गया उनको पता है उनके क्योंकि उनका सीईओ बीबीसी में बैठ के फंस चुका है हार्ट टॉक के अंदर जब उस बंदे ने पूरा ग्लास निकाल के दिखाया ना कि इतना इतनी शक्कर होती है ग्लास में बच्चे को तो नहीं पता यस yes, वो उतनी तो शकर तो होती है दिन क्या मैं नहीं कर सकता मैं ये नहीं कर रहा मैं कोई मसाया हूँ मेरे को मैं अलाउ नहीं करता एडवर्टाइजिंग मेरे लिए वैसी एक प्रोस्टिट्यूशन है फिल्म फीचर फिल्म बनाने के लिए मैं पैसे जमा करता हूँ यहाँ से तो एक पॉइंट के बाद मैं अपना क्लाइंट चूज़ कर सकता हूँ मुझे एड झील चाहिए प्रोस्ट्यूश ठीक है बट आई डोंट वांट दिस क्लाइंट इसको सिफलेस है भाई सॉरी तो बाकी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ओवरऑल ओवरऑलिज्म आपको कितना लगता है ये ऐसा चीज़ है जो बॉलीवुड में भी बहुत है पाकिस्तान में पाकिस्तान is... इंडस्ट्री नहीं ने हो पाए इतनी हाल बुरा है कि वो बच्चा <laughs> भी कहते हैं मुझे नहीं जाना भाई यहाँ पे <laughs> तो आई डोंट थिंक वहां तक पहुँच पाए हम लोग विच इज वेरी सैड यार इतनी खलिश होती है कि यार चलो हमें फिल्म बनानी आती है यार हम हम भी अमीर हो जाते हैं यार काम तो आता है आप एक काम करते हैं दूसरा काम को नहीं पता कब आएगा नहीं आएगा दैट सो वियर्ड आपने कब लास्ट फिल्म बनाई है अपनी मोर उसके बाद कोई भी अपने डाउनलोड डॉक की थी और रुक गई पैसे खत्म हो गए वो तो मतलब सच है इंटरेस्टिंग स्टोरी ब्लैक एंड वाइट प्लेजरिज्म पे फ्यूचर वेस्ट एंड शॉट ब्यूटीफुली अच्छा थोड़ा सा मोर का मुझे बताएं आपने जरा बहुत इसका जिक्र किया इनिशियल जो आइडिया आपका कहाँ से इसका आया आपके जरिए इनिशियल आइडिया था मैंने एक जॉन्ग का एड किया था बुढ़े बाबा पे अंकल पे वो घर में बैठे रहते हैं पूरे दिन कुछ टाइम वेस्ट करता था कुछ नहीं करता जहाँ से जाता है वहाँ जाता है बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा वियर्ड ऐड था जॉन्ग का और कब की बात है ये मोर से तीन साल, दो साल पहले की बात है। होगा और वो बैठ है, घर में टाइम वेस्ट करता बहुत ही आर्टिस्टिक कमर्शियल ना। खाली बैठ रहता है एक दिन जा रहा होता है वो चलता है, वो घर आ रहा होता है देखता है अजान होती है हाथ में उसके समोसे होते हैं वो देखता है बच्चे बच्चे बैठे हुए गरीब ना वो जाता है समोसा देखिए घर चला जाता है तो इतना वियर्ड ईरानी फिल्म टाइप अकेला वो ऐड चला नहीं मैंने कहा ये ऐड नहीं चलने वाला आपका ये जिस तरह आप कह रहे ना नहीं, नहीं ये बड़ा आर्टिस्टिक ऐड है आप इसीलिए आपके पास आए हैं मैंने कहा ये ऐड नहीं चलेगा आप लोग नहीं चलाएंगे झूठ बोल रहे हैं आप लोग ऐड नहीं चला वो खैर उससे हुआ क्या ये वो जो करेक्टर था ना अकेला बैठा हुआ यार आई जस्ट लव दैट फीलिंग मैंने कहा यार कौन आदमी जो टाइम वेस्ट करता है अपना बैठ के लाइफ ना और इसके साथ हुआ क्या है जो ऐसे हो गया तो मैंने अपनी बेगम को बोला कि ये ऐड है ये 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 फिल्म करना चाह रहा हूँ एक बलूचिस्तान नहीं मैं ये फिल्म करना चाह रहा हूँ एक बंदा है जो कि ही लॉस्ट एवरीथिंग और उसके बेटा बेटा आता है ये पता नहीं क्या कहानी थी बेटा आता है वो उसके साथ उसके बहुत ही आर्टिस्टिकली वो लाइट हाउस टाइप की फिल्म हुँ, 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 वैसी कुछ ही सोचा था मेरी बीवी ने कहा यू मैड कोई भी नहीं देखने आएगा मैंने कहा यार सिनेमा तो था नहीं वार आई नहीं थी उस वक्त और ये नौ दस की बात है और हालात भी आप सोच रहे हैं जाने का इट्स लाइक क्रेजी अभी सिनेमा शायद आने वाला था तो डिजिटल सिनेमा नहीं था पाकिस्तान में सही एंड हमने शुरू किया था पाकिस्तान में डिजिटल कैमरा ला रेड कैमरा हम ले आए पहला तो हमने शूटिंग शुरू कर दी थी पाकिस्तान में ना टू थाउजेंड एट में सिक्स में फाइव डी पे कर लिया ये बहुत सारे कदम कर चुके थे तो खैर तो मेरी बेगम ने कहा यार को रिसर्च रिसर्च कर लो कोई फिल्म फिल्म होती है कमरे में नहीं होती मैंने कहा मैंने कहा यार यही या अफोर्ड कर सकते हैं चक्कर ये है। है। कहते तुम तो अच्छा सोचो तो तो उसने तो क्या मैंने कहा यार तो करप्शन हुआ होगा इसके साथ बुड्डे के साथ जब मैंने कहा तुमने कहा बलूचिस्तान चेक करते हैं यार बलूचिस्तान बलोचिस्तान पेग न्यूज एट दैट टाइम अंडरग्राउंड कुछ हो रहा है और बताते नहीं थे ये लोग ऑपरेशन हो रहा है बी एल है तो अलग होने वाला है पता नहीं क्या हो रहा है और तो, इससे पहले आप जा चुके थे नहीं ओके okay. उसने नहीं कहते कभी भी फिर मैंने कहा था मैं ट्रेन का पढ़ा करप्शन है यार इंटरेस्टिंग और बड़ा करप्शन है तो ट्रेन की पटरी चोरी हुई हैं मैंने कहा चलो चलते हैं तो कोई ट्रेन में गया या मेरी आँख खुल गई यार ट्रेन की पहली बात तो वो जो ट्रेन राइड इतनी तकलीफ दे कैसे हो सकती है कोई भी राइड क्योंकि ना खिड़की ना लाइट सीटें टूटी पूटी थर्ड क्लास भी चीज़ होती है ना थर्ड क्लास से नीचे कोई चीज़ कैसे हो सकती है अच्छा अब जा रहे हैं और वो हाइट तभी है लेकर ना अर एल लगी हुई ना खिड़कियों पर हम ये क्या है ऐसा नीचे हो जाए ना क्या रॉकेट लॉन्चर आ सकता है इस एरिया में रॉकेट लॉन्चर आते हैं मैंने कहा यार मैंने तो खिड़की तो नहीं सेट कर सकती रॉकेट लॉन्चर से कहते हैं सर इतने अटैक हो रहे हैं उस वक्त इतने हो रहे हैं इतने हो रहे हैं अच्छा फिर मैं जाके आगे चला गया स्टेशन पर रुका ट्रेन स्टेशन में इंजन में आके बैठ के इसके साथ गया खैर वो सब ट्रेन इंजन को भी समझा कर ट्रेन इंजन में शॉक अब्जॉर्बर नहीं होते सिर्फ। किसी को का पता ही नहीं पता और ट्रेन की पटरियाँ सीधी नहीं होती इतना जंप आता है एटलीस्ट आपकी बैक टूट सकती मुझे नहीं पता था इस बात का दौड़ 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 खैर बारह तेरह घंटे बीच में एरिया में डीजल ख़त्म हो गया अच्छा डीजल कैसे आई आईवन इट आपको पता नहीं कि डीजल यहाँ से यहाँ तक डीजल ले लें वो नहीं नहीं है ही इतना निक, ट्रेन निकालना वरना वो नाराज़ हो जाएंगे निकली नहीं निकली उन्होंने कहा निकाल निकाल देता अच्छा चलो निकाल दे हमारे पास से तो हटे आगे जाके देखेंगे बिलीव यही हो रहा था अच्छा पर ट्रेन दूसरी ट्रेन आई ट्रेन और ये मोर में हमारे साथ हुआ फिर हमें देखा अंदर खैर वहाँ पहुंचे किला सैफुल्ला तक गए स्टोरियाँ सुनी इट मुशर्रफ क्राइम नवाज शरीफ ने पूरी पटरी बोस्तान से पुरानी नेहरू गेज की सारी चीज़ें यार वहाँ ट्रेन खड़ी थी पुस्तान पे पुरानी नैरो गेज की टीक की ट्रेन बनी हुई ब्रिटिश जमाने की स्टीम इंजन सारी चीज़ें सही कर दी थी इनोग्रेशन हो रही थी जहाज वाला मसला हो गया बंद सारी चीज़ें वैसे कि वैसे खड़ी थी स्टीम इंजन मतलब जवागो डॉक्टर जवागो लेवल चीज़ें रेडी खड़ी थी आई एम नॉट किडिंग दैट लेवल की चीज़ें खूबसूरत रिस्टोर चलते हुए इंजन देन वहाँ गए यार चोरी माँ कॉड ब्रिटिश स्टील वॉज लाइक द प्योरेस्ट स्टील पाकिस्तान में बना था कभी भी गायब यहाँ गायब वहाँ गायब वो पूरा मतलब सौ सौ तीन तीन सौ किलोमीटर की चीज़ें गायब भाई कहाँ गई पंजाब चली गई वहाँ बिक गई मेल्ट हो गई गह, निकल गई एंड कहाँ गई कौन खा गया इसको कुछ स्टोरियाँ सुनाई तो ये फिर स्टोरी फिर सुनाई यार स्टोरी लिखते हैं यहाँ कुछ यहाँ गेम है फिर मैं आपको सच्चे बताऊँ वो जो फिर तो मैंने लॉयल्टी देखी लोगों से मुल्क से अपने काम से अपने प्रोफेशन से लॉयल्टी स्टेशन मास्टर्स को देख के यार उन्होंने घर में गए बच्चे नंगे घूम रहे मैंने कहा यार पता नहीं कहाँ गरीब किसके स्टेशन मास्टर के बच्चे मैंने कहा भाई वेट स्टेशन मास्टर आया हशर नशर से देखो कौन सी मूवी थी जिसमें ऑयल रिग निकलती है दे विल बी ब्लड टाइप एरिया इतने बुरे हाल में शुरू का पार्ट जब पैसे नहीं आए थे वैसे लोग वहशत वाले आएगा कहें हवा यू सर कैसे हैं हम लिखा है ये कौन आदमी कहते हैं हम स्टेशन मास्टर सर और आप मतलब वैशत हशर नशर फिर उनकी बीविया मिले बातें बातें कि तो चीज़ें छुपा के रखी थी बिस्तरों के नीचे कि चोरी ना हो जाए यार लकड़ियाँ कौन छुपाता है बर्तन छुपाई हुई ये कहें यार ये आते हैं चोरी कर लेते हैं जमी भाई और बी एल ए है नहीं नहीं बी एल ए वाले तो जो करते होंगे अल्लाह जाना ये दिस इज पाकिस्तान मुशर्रफ दिस इज वो नहीं अपनी चीज़ें कोई चोरी नहीं करते वो लोग दिस इज़ ऑल आस ट्रेन की पटरियाँ चीज़ें लैम शैम भिगता है, है, है लोहया वोया ना तो क्यों कुछ बात ही नहीं करता तो बा, बात खाली यहाँ के इशूज़ की है। होती है तो यार मैंने फिल्म उन पर बेस कर दी कहें यार ये स्टोरी है ये हीरो है कि इन्होंने अटक जाना है हम नहीं बेचेंगे और वो आएंगे अटैक होगा बार बार लेने आएंगे और वो नहीं बेचेंगे मैंने कहा यार ये फिल्म है इस इज़ वेरी रोमांटिक वो ज़्यादा रोमांटिक हो गए बलूचियों के लिए मेरा ज़्यादा ओवर मुझे लगता है अब देखते हैं तो ज़्यादा वो है मैलो रोमांटिक है फिल्म थोड़ी सी ज़्यादा अल्लाह हो गया ज़्यादा वो वो हो गया कि हमें हमें बस सही रास्ते पे चलना है हमें नहीं बेचना लेकिन मैंने देखा है पश्तून लोग बात इस तरह ही करते हैं वो एवंचुअली और आपने उसमें आई थिंक किसी इंटरव्यू में जिक्र किया कि तालिबान ने परमिशन दिया घूम फिर के आज के ज़माने पे आती है हम लोग गए जब सब चीज़ें हो गई लॉजिस्टिक्स डन हो गई शूट करनी पहुंचे मुस्लिम बाग मुस्लिम बाग जहाँ भी अभी अटैक हुआ दोबारा आर्मी पर और ये कौन सा ईयर बनता है टू मैंने अपनी टू सॉरी मैंने एक दिन पहले कैमरा रोल किया मैंने कहा फोर्टी बर्थडे से पहले मैं कैमरा रोल कर दूँगा फिल्म पर बस तो एक एक महीना पर रोल हुआ दस दिन पर खैर 12 होगा टू थाउजेंड बाग पहुंचे हम लोग हमने कहा कि ये जगह ये स्टेशन है स्टेशन मास्टर का ओरिजिनल घर तो वहाँ खड़े थे अंदर कुछ बंदा खड़ा था पकड़ी पहना ब्लैक पकड़ी है वो हमें देख रहा है हम उसको देख रहे हैं है? ये कौन है <laughs> जामी भाई होल्ड दिस इज तालिबान दिस इज टी टी पी नॉर्थ अफान हाँ हाँ बॉस फिर कहानी शुरू होती है अभी तो फिर हम लोग गए हमने बंदा भेजा हम क्या मिलना है आपसे वो आया वो तो बात ही नहीं करे बहुत यहाँ शूट है शूट है यहाँ शूट है यहाँ पे हम लोग फिल्म बना रहे हैं बलोची या क्या बट दैट साइड इज़ ऑलरेडी पश्तून साइड ना तो अपर बलोचिस्तान लोअर इज ऑल ऑल क्या कहना चाहिए डिफरेंट मकरानी या mm -hmm. तो अपर तो अप अच्छा मैंने कहा गवर्नमेंट का लेटर है गवर्नमेंट के रेलवे ने बोला कि यहाँ परमिशन दे रहे हैं मदरसा था वो पता नहीं कहाँ कहां से बाहर टपके चीजें लोग बाहर चीजें निकाल के लेके जा रहे थे मंदिर गए अपना सेटिंग कर नशर हुआ जो कि जिना हाउस का भी है ना वाला हाल था एग्जैक्टली ऊपर तक कोयला था कोयला जलाते ना गर्मी में। गर्मी जनर खी लिखा हुआ अब तक भूल नहीं सकता पेन पे लेटर हेड पड़े जल्दी से भागे तो लेके लेटर कैलेंडर लगा दवा पे छोड़ गए नहीं सो आपने पेन के ऊपर लिखा हुआ टी टी पी के और उसके लेटर हेड्स पड़े हुए अच्छा जैकेट जो पड़ी थी so उन्होंने वो जगह है जहाँ हमें हाउस यहाँ शूट करना, करना तो उसके स्टोर उसके? में से चीजें निकाल लिया जली वो सही एक स्टोर था अंदर तो वहाँ पे कैलेंडर भी लगा था टी टी पी पाकिस्तान वॉकेट लॉन्चर क्रूड फोटोशॉप अमरीका अभी तक याद है खैर थोड़े दिन बाद में शूट भी किया दस दिन पंद्रह दिन शूट हुई भी भी बट उनका क्या रिस्पॉन्स उसके बाद क्या जब कुछ नहीं किया नहीं लेकिन उन्होंने जब आपने कहा कि जी मुझे परमिशन है उन्होंने किया बात तो, भी नहीं की हमसे अच्छा बात भी नहीं की उन्होंने और वहाँ से अबाउट सात आठ लड़कियाँ थी मैं समझता लड़कियों पर प्रॉब्लम होगी इस एरिया में ना यार बलूचिस्तान बड़ी ज़बरदस्त कौन होता हूँ बहुत ज़बरदस्त एरिया खैर लाइक फैसिलिट नहीं तालिबान ने मतलब से अगर वो आपके मिले उन्होंने कहा नहीं भाई ये क्या मूवी क्या मतलब क्या स्टोरी आई थिंक अगर मैं आज के ज़माने में देखता हूँ ना क्योंकि ऐसे गेम चलता है वो दस दिन बाद भी सर पंद्रह दिन बाद एक मेजर थे जो भी थे वो आए होते हैं जिस तरह सो हाउ इज़ इट गोइंग सर मैंने कहा सर गुड ऑल गुड शूट कैसे चल रही है मैंने गुड मैंने कहा सर वैसे एक बात बताऊँ जी बोले कोई चीज़ बतानी है आपको यस yes. मैंने कहा सर ये जो बंदा खड़ा है ना ये दूर देखना बोला हूँ यस एस टी टी पी अच्छा वो अभी वे रही थे मुझे अभी तक रिएक्शन जो था ना फुल आर्मी वाले का किधर मैं सर आ, सर मैं हाथ तो नहीं कर सकता मैं सर वो जो बंदा खड़ा डेजर्ट में एक ही बंदा वहाँ खड़ा hmm. यार कोई है नहीं, ही hmm. नहीं एरिया ही नहीं वो फ्लैट प्लेटो है वो किधर है वो, है वो? नहीं। सर नहीं को, दो कोई दफ़ा कर मतलब असल में नहीं उसको समझ आ रही थी या नो नो बॉस बोस क्या अच्छा खासा इंग्लिश स्पीकिंग मतलब जवान मतलब आसिम साहब हैं ऐसा बदलना था वो आपने कहा नहीं ब्रो मतलब क्या सीन है <laughs> यार मैं उन्हें बहुत तोड़ता हूँ मुझे किसी ने बोला था दोनों भाई यहाँ नहीं तोड़िएगा अभी चुप हो जाए घर में चल के जहाँ चीज़ें तोड़नी तोड़ लेगा बलूचिस्तान में आर्मी के साथ चीज़ें मत तोड़ें उन्होंने कहा नहीं तोड़ता या फिल्म बनना बदलना उससे पहले मुझे उठा चुके थे आर्मी वाले गवर्नमेंट वाले ना झूठ बोला परमिशन नहीं है तो यूँ नहीं आप कैसे आ गए फिल्म चलती हुई फिल्म को बंद किया तीन दिन मुझे अरेस्ट किया और ऐसे अरेस्ट किया क्या तो वाह अरे, प्रॉपर अरेस्ट प्रॉपर अरे, प्रॉपर अरेस्ट शूट में से उठा के गाड़ी में से हथखड़ियाँ लगवा के अरे मैंने कहा भैंस हुआ क्या है? मसला क्या है ये ये मोर वाले उसमें और फिर उसके बाद आपने चालीस दिन की परमिशन ली नहीं परमिशन पहले भी थी ये पता नहीं क्या मसला आज तक तो समझ में नहीं आया वजह कि या तो ये था कि ये आए कैसे यहाँ पे ये तो हमारा एरिया है टी टी पी आर में वॉट एवर मुझे नहीं पता क्यों उठवाया था और इतना सख्ती से क्या था कि मेरे शुक्र जो अरेस्ट करने लड़का आया था वो मेरी अम्मी का स्टूडेंट है क्योंकि मेरी अम्मी तीस साल से सा वहीं पर काम करती हैं बलूचिस्तान में सही तीस साल से सा वहीं पर ख़ाली बलोच लोगों को पढ़ाती हैं बस वो एक अवेयर बहुत अवेयरनेस नहीं मतलब वो पी एच डी लेवल ह्यूमन रिसोर्स बनाती हैं बलूचस्तान के अंदर तो जो अरेस्ट करने आया था वो लड़का अम्मी का स्टूडेंट था तो और ये पुलिस टाइप फुल आई जी, जी, जी से नीचे जो लड़का होता है वो था वो कोयटा से आया था मुस्लिम बाग चार घंटे की ड्राइव करके अरेस्ट करने और भैया पूरे वो गाड़ी चलाते वो फ़ोन पे था और बात ये होती है कि जी जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर इसको इसको हाँ इनके साथ तो मैं वो करूँगा मैं क्या हो रहा है सर बस एक काम करें उसको जेल में ना लें अगर इनको आई डी एस पी अम्मी का जो इंस्टीट्यूट है ना उसमें रख लें और दो बंदे होंगे साथ सा, सा, फुल साथ फुल लोडेड के कलेक्शन को बेसिकली आप लोग सारा सामान लेके प्रोडक्शन के लिए गए हैं काम शुरू हुआ है ये आके दिन बाद पकड़ के लेगा तीन दिन के लिए और, और आपने उसको दिखाया कि भाई ये परमिशन लेट सब चीज़ें बताओ और उसने आगे से क्या कहा वो कहते हैं भाई हमारे पास ऑर्डर है फिर मैं गया पार्लियामेंट वो क्या होता है जो भी होता है इस प्रोविंस की जो क्या होती है आईजी वगैरह नहीं नहीं पार्लियामेंट होता है क्या होता है सेक्रेटरी सेक्रटरीट वहाँ गया तो सेक्रेटरी साहब से मिला सेक्रेटरी अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी आया बैठा परमिशन तो आ गई है मैं सर वो आई हुई है जगह परमिशन तो आई हुई ठीक है चलो चाय तो पियो वैसे चाय पी ली बस ठीक है यही रहा तुमसे तू परमिशन आए तो चाय वाय तो पिया करो ना साथ आके मैंने सर एक चाय का मसला था यार इगो, इगो यार मुझे आ के बताओ सर मैं बीस लाख रुपये में, में उड़ गया खाली शूट बंद पड़ी रही पचास लोग वहाँ बैठे रहे मेरे लिए वेट करते रहे मैंने कहा सर मेरा वेट हो रहा है वहाँ पर मैं जाऊँ फिर अब मैं, मैंने चाय पी लिया सर हाँ हाँ ओके यू कैन गो ना पढ़ा लिखा इंसान अचक ना था यार उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि यार कॉग्स कॉग्स हैं हैं ना यार किसी को भी नहीं पता कितने कॉग हैं ये तो गवर्नमेंट है फिर एजेंसीज़ में क्या होता तो है हाँ साहब को अंदाज़ा में अपनी क्या है खैर सो थिंग्स एंड एंड मुझे समझ में आया वो कॉम बहुत बड़ी है मसला यही है बस वो झुकती नहीं है बस मसला यही है, है कि यार आप हाँ क्यों नहीं करते है? भाई वो नहीं करेंगे हाँ मुझे अब समझ में आ गया वो हाँ नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो कल्चरल जो उनका क्या करना चाहे डकोरम है जनरेशन टू जनरेशन अगर आपके साथ पंगा है और मैं आज मर रहा हूँ और वो रिजॉल्व नहीं हुआ है तो बुलाया जाता है बैठा इधर आना ये बंदा है <laughs> then, जो कि ट्राइबल है वेरी वही मैं कह रहा हूँ मैं मैं इलेक्शन पे बिलीव ही नहीं करता मैं उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ जो तीन हज़ार साल से अब माउंटेन तीन हज़ार साल से मैं ऐसे पंगा नहीं लूँगा no. मैं बलोच से पंगा नहीं लूँगा मैं सरदार की रिस्पेक्ट करूँगा मेरे पास मेरे से बहुत इशूज़ हैं इनके साथ जिस तरह मुझे आर्मी के साथ इशूज़ हैं mm. लेकिन मैं नफरत नहीं करता ना आर्मी से नफरत करता हूँ ना बलोच सरदार से इशूज़ रिजॉल्व हो जाए चीज़ें हो जाए लेकिन वो उनका लैंड है आप जी में लॉन्डे आए ना आपको बहुत प्रॉब्लम है इस वक्त वो पूरा प्रोविंस में है। आप घुसे अंदर उनका गैस भी ले लेते हैं चीज़ें भी ले लेते हैं फिर उनको देते भी नहीं प्रॉपरली बहुत बड़ा पंगा वो भी उनके लिए भी वो जी एच क्यू है सो so, थो, थोड़ा सा हम लोग अगर आगे चलें आ, अभी आ, हमने पूरी इंडस्ट्री की तो बात की सारा अभी जैसे इवॉल्व हो रही है पूरी नॉट जस्ट द इंडस्ट्री द टेक्नोलॉजी ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स अब तो यहाँ तक कि यूट्यूब के ऊपर भी <coughs> आ, पता नहीं शायद आपकी नज़र से गुजरा हो लाइक वन ऑफ माई पर्सनल वेरी फेवरेट चैनल ऑमलेट के नाम से ये बाहर का है मेरे ख्याल से तो okay. ऑमलेट so, के इन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा बनाए हुए और छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म आती हैं uh, आठ मिनट चार मिनट और वो मतलब देख के ना वेरी आर्टिस्टिक पाकिस्तानी नहीं, नहीं नहीं बाहर का है oh, okay. बाहर का है, uh, इस तरह की साइट पे लाइक यू और लाइक एनी वन यू नो जो जरा थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंट थिंकर hmm. आप कह लें मतलब वाई यू गज नॉट चूजिंग ये वाली चीज़ लेट से अगर आप ठीक है मे बी तीन लाख चार लाख आठ लाख की फिल्म एक बना भी शॉर्ट फिल्म बना भी लेते हैं तो यू नो थ्रू मोनिटाइजेशन कोई ना कोई ब्रांड मतलब जो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है yeah. तो उस उस साइड पे या ये कि आपको लगता है कि, कि आर्टिस्ट आर वेरी के यार नहीं बस फिल्म मैंने करनी है तो बस नहीं नहीं दैट इज़ द इशू विद मी यू आर राइट लेकिन चार पाँच दस लाख रुपये खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है इस्पेशली टी वी कमर्शल डायरेक्टर के लिए तो हमें पैसे की भी जरूरत नहीं है मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ ऐसे मैं इस चक्कर में फंस गया बहुत ज़्यादा मी टू और ऐशूज़ में पिछले चार साल से जो कि मेरे को ग़लत जगह ले गया वो जो तो हेल्दी जगह नहीं है तो अभी यही जो मैं इतना गाड़ी चला के यहाँ पर आया हूँ मैं जहाँ से नहीं आया हूँ आपके इंटरव्यू के लिए खाली इसलिए कि मुझे को बहुत रिलीफ मिलता है टाइम मिलता है सोचने का और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा Uh, मेरी स्ट्रेंथ बनता जा रहा है कि मैं अपने आप को चेक करूँ कि क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूर राइट वी मस्ट एज अ स्टोरी टेलर मुझे करना चाहिए क्योंकि मेरे पास कैमरे पड़े हैं मेरे पास टीम भी है मतलब एडिटिंग पे, पे डालना है तो फेसबुक पे डालना है तो टीम तो आपके पास खुद आ जाएगी सब चीज़ें वो भी है बिल्कुल सही कह रहे हैं इज्जत इतनी है कि लोग आ जाते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ ये मसला मेरा अपना है अभी जो कि मैं मेरे ख्याल में इस साल शायद शायद रिजॉल्व हो जाए जो मैंने अभी Z5 को भी पिच किया अपनी फिल्म थी मैंने उसको सीरीज में कर दिए जस्ट टू कंडेंस थी बहुत ज़्यादा तो कहते इसको खोल दो तो ये हो जाए और दूसरी चीज़ है कि अगर मैं बात करता हूँ मे, मेरा वो जो मैंने कहा ना ये अला मेरा, मेरा ये मसला है कि बस सिनेमैटिक स्क्रीन hmm. ये जो ग्रीड है ना yeah. ये बहुत ये, इलीट ड्रीम है ये और जो फिल्म मेकर्स के बहुत क्लोज होती है ना लाइक यार दिस इज इस... यार वो बस ये कि एक दफ़ा आपने वो कुकिंग का नशा कर लिया सिनेमा पर देख लिया पावर क्या होती है आपको बस वो शौक है लेकिन ऑनेस्टली देखें वो, वो रिलीफ मिल जाता है अगर आप फ्लिकर भी मैं तस्वीर डालता हूँ ऑलमोस्ट वैसी कोई चीज़ मिल जाती है मज़ा आता है उस चीज़ से हमें निकलने की ज़रूरत है कि यार, यार लोग छोटे कैमरे पर भी शूट कर रहे हैं बड़े बड़े लोग कर रहे हैं हर दफ़ा नहीं होता ड्यून बनेगी हर दफ़ा नहीं हो सकता ये हम लोगों का मसला है क्योंकि हम टीवी कमर्शियल कमर्शल डायरेक्टर इतने ज़्यादा स्पॉइल्ड हैं कि डेढ़ डेढ़ दो तो दो तो सौ लोगों को लेके चलते हैं ईगो है ना हमारी बात बड़ा स्पेशली वही है कि जो मेरे ख्याल से फिल्म वाले लोग अगर एडवर्टाइजिंग का हल्का सा वो ले लेते हैं ना तो वो तो एक और मतलब छोटी चीज़ के लिए इतना बड़ा ग्लैमर है ठीक है फिल्म में तो आपको यूनीट बहुत ज़्यादा चीज़ लेकिन मुझे दूसरा ये बताएं कि एक और चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे जब मैंने फ़िल्म पढ़ी और आई मूव इन टू द डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड और बाहर जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हो रही हैं अब तो लाइक सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री से लेके पता नहीं क्या क्या इरेनियन सिनेमा को मैंने मतलब uh, जब उस टाइम हमारी असाइनमेंट्स होती थी कि कोई एग्जाम्पल लाएँ तो मेरा बड़ा फेवरेट इरेनियन सिनेमा में पढ़ा होता है ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स जो जिनको नजर बंद किया हुआ है yeah. घरों में डाला हुआ है उसने कहा कि मैं इस घर में बंद हूँ तो मैं इधर ही फिल्म बना दूंगा और उसने मतलब और वो होती मतलब वो एक मैंने देखी आई फील लाइक मुझे लिटरली लगा कि ये डॉक्यूमेंट्री है मतलब जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशनल डॉक्यूमेंट्री कहते हैं वो आखिर में पता चला कि एवरी थिंग वॉज वैसिनेटिंग मतलब इट वॉज जस्ट और वो थी भी बड़ी इंटरेस्टिंग उसने इरेनियन जो

ठीक है एक कमर्शियल परस्पेक्टिव या उसका वो तो है कि जी कमर्शली चीज़ सक्सेसफुल नहीं है इस तरह बट डॉक्यूमेंट्री पे देर इज़ नो वन लिटरली इन पाकिस्तान शायद कोई इक्का दुक्का लोग हों जो डेवलपमेंट सेक्टर के लिए या इस तरह काम कर रहे हैं यार अग, एक बात लेस और सेकेंड एक और डिफरेंट एंगल से पकड़ो शायद रिपीट ना हो रही हो वही बात है कॉम का जो ना कॉन्फिडेंस और स्पार्क और सेल्फ वो, वो खत्म हुआ है अगर हर एंगल पे आप देखो ना नहीं हो रहा है इस बिगर इशू समथिंग इज़ समथिंग इज नॉट राइट तो आ, मैं इतना नहीं शायद बोल पाऊँ कि शायद मुझे मैं गलत ना बोल दूँ क्यों नहीं हो पा रहा है कैसे नहीं, नहीं हो पा तो एक मोटिवेशन भी नहीं होनी चाहिए जो स्पेशली नए बच्चे आ रहे हैं या कोई बाहर से पढ़ के आ रहा है क्या मैं, ये चीज़ अब यह मैं अगर गलत बात ना बोल दूँ लेकिन मैं बोल देता हूँ ईरानी सिनेमा एक कौम बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी कौम है परेशियन एम्पायर है पीछे चाइना का सिनेमा ज़बरदस्त था चाइना एक ओल्डेस्ट कहना चाहिए सिविलाइजेशन अभी तक जो सर्वाइव की है टर्किश आप देख लें टर्कश अमेरिका तो खैर बिजनेस पे चल पड़ा लेकिन ब्रिटिश फिल्म फ्रेंच फिल्म इटालियंस ये कॉमों ने अपने एक चीज़ जब पहला वार होता है ना वो पहले वार को पकड़ते हैं आठ पर जब वार होता है कोई रोका नहीं जिसे जो फैस को पकड़ के लेके जा रहे थे उस वक्त उस तरह नहीं हुआ अटैक जिस तरह होना चाहिए था तो फिर ये फिर वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है अटैक होते रहते होते रहते फिर लोग कहते हैं यार इस फील्ड में नहीं जाना यार या तो लोग वो कल्चर ख़त्म हो गया कि लिखत पढ़त पोइट्री कॉलेज में चीज़ें नहीं आई हैं निकल दिए लोग मैं से मेरी मेरी बीवी के साथ जब मैं जा रहा था रास्ते में पूना पड़ा पूना गए हम लोग वो उस वक्त एक बज रहे थे उस वक्त कॉलेज निकला था अच्छा मुझे नहीं पता हम पूना में कहाँ हैं मुझे क्या पता हम गाड़ी में जा रहे हैं इतना रश इतना रश मैं बाहर देखो रश बच्चे लड़के लड़कियाँ एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मैंने कहा यार ये इतने जापानीज कोरियन ये जर्मन है ये तो ये कौन कहाँ से आ रहे हैं कहते कॉलेज की छुट्टी हुई है इशू नहीं यार आई सो बैड फॉर मुझे इतना दुख हुआ मैं बताऊँ इतना हुआ कि नहीं यार यार काश हम भी हो जाता है यार जो वो है ना वो किया ना हमने मैं बताऊँ आपको अगर कहीं भी कहीं से पीछे जाए अगर एक मोटी चीज़ पकड़नी हो चिकन एक गली ये जो पाकिस्तान रेजोलूशन क्या ऑब्जेक्टिव रेजोलूशन है ना यार एंड में आकर वहीं बात निकलेगी जो हमने मज़हब को घुसा के जिन दिन उसको जो तोड़ फोड़ हुई ना यार वो रुकी नहीं रही रखो दिल में बाहर क्यों निकालना है तो उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा हिलती हैं लोग समझते नहीं कोई भी मजहब जहाँ भी वेटेकन में फिल्म नहीं बनती होगी मजहब में है कुछ जो कि एक हार्ड कोर मजहब होता है ना मैं ये नहीं कह रहा सब मजहब जब वो हार्ड कोर हो जाते पूरे दिन एक ही काम करना है आपने चीज़ों को जज करना पूरे दिन बैठ के माइक्रोस्कोप में पंगा या फजूल में पंगा ले रहे हर चीज़ से तो ये हमारे साथ ज़्यादा जोर से हुआ अगर एक चीज़ पकड़ी जाए जैसे ना पाकिस्तान में मैं आई थिंक एक जमाने में कोइटा में एक साहब बैठे थे जनरल मैं समझता हूँ वो बाजवा था मैं समझता हूँ बहुत ही पुरानी बात है बारह साल पुरानी बात है वो क्लास ले रहे हमने नस बनाया हमने ये किया हमने वो किया एक लड़का साथ बैठा था उसने कहा जामी भाई उसको बोलो नस जो है सिविलियन ने बनाया था दे ट ओवर अल यार तुम बोल रहे हो इसको भाई बहुत बोल रहा है खैर बात करते करते एक मुझसे बेसाख्ता फिर निकला मैंने कहा सर एक माजरत के साथ मैं एक चीज़ बोलूँ उससे कहा पीते यार ब्लडी बोलो क्या बोल रहे हो तुम बताओ मैंने कहा सर पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है क्या बताओ क्या है मैंने कहा सर वो मदरसों की है करप्शन की नहीं है यू प्लड राइट बिल्कुल सही कह रहा मैंने कहा वो आपने बनाए थे अफ़गानिस्तान वाहर के लिए और बंद नहीं किया आपने right. कहा कोई, को, कोई और एग्रीड कोई और इशू नहीं पाकिस्तान में जो कि किसी और मुल्क में इशू नहीं है कौन सा पॉलिटिशन है जो चोर नहीं है यार हर 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 पॉलिटिशन चोर है दैट इज़ द गिन पॉलिटिक्स का गिवन पहली चीज़ है कि तुम चोर हो गए तो हमारे हमाम में आ सकते हो वनना नहीं आने देते ये लोग वरना एक ही था जो मर गया बेचारा मोटरसाइकिल पर था वो मौलाना साहब सीधा आदमी था यार आई कैन टेल वो सीधा आदमी था मोटरसाइकिल पर मारा है वरना कि वह इतना कौनवाई होता है वो गाड़ी पहुँचती ही नहीं तक खैर तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को उठाऊँ इन्होंने जो आर्ट पे पूरा मुल्क जो सख्त हुआ ना तो सबसे पहले आर्ट जो है ना वो सख्त हो गया वो लोग जाते ही नहीं बात ही नहीं करते कुछ कुछ होता ही नहीं उसका मेरा ख्याल तो में ये मोटी मोटी का बात की जाए कि क्या हुआ कैसे हुआ आई थिंक इट जस्ट ट्रिकल डाउन इन एवरी थिंग लिटरेचर में आपका मोहम्मद हनीफी है अच्छा भाई और कौन है दो और औरतें होंगी तीन औरतें यार चिली भी तो है छोटा सा उसमें सिनेमा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है और साउथ अमेरिकन सिनेमा कितना स्ट्रोंग है कैसे हम जीरो हो गए अगेन बात घूम के आती है मजहब में पागल नहीं हुआ साउथ अमेरिकन मज़हब में पागल नहीं है रखते हैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस लोग हैं लेकिन हर चीज़ में नहीं घुसेड़ते उसको लेकिन अगर हम लोग दूसरी साइड थोड़ी सी ले लें जैसे आपने रिलीजन की बात की अगर हम लोग सऊदी देखें पूरी ज़रा बादशाह है उसके अंडरलाइन कहीं ना कहीं रिलीजन है इसी तरह इरेनियन भी अगर आप देख लें तो वो भी एक है तो ज़रा हार्ड कोर हमारे से तो ज़्यादा वहाँ कवानी बट कहीं ना कहीं ज़रा फिल्म भी चल रही है टी वी सीरीज़ बहुत मशहूर उनकी स्पेशली सऊदी मिडिलन टी वी सीरीज़ कुछ बहुत अमेजिंग है मैं 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 आपका अच्छा लज से अगर मैं अगर मैं सही बोल रहा हूँ प्लीज़ हाँ मैं इतना इतना इंटेलेक्चुअली डीप नहीं हूँ अगर मैं मोट मोटा मोटा दूर से देखता हूँ हमारी कॉम कभी भी मज़हब के लिए इतना तैयार नहीं थी मैं समझूँ शायद शौक में चले गए सऊदी अरब हमेशा से चल रहा है सब थोड़ा बहुत ना अब वो कशोजी को कार्ड भी दें तो इशू नहीं अब वो समझ में आ गया कि यार हमारा ऑयल होने वाला है ख़त्म या ख़त्म भी नहीं हुआ तो बैटरी आ रही है मसला बहुत बड़ा है ईजी हो जाओ थोड़ा सिनेमा शनमा खोल दो वो कर रहे हैं इस पर फुल काम कर रहे हैं इसके ऊपर नॉट दैट कि वो कोई आर्टिस्टिकली बहुत ज़्यादा उनकी वॉन्ट थी आरउ थिंग सो और ईरान का सिनेमा जो मैं समझता हूँ हो सकता था वो नहीं है जो कि थे वो जैसे अगर एक दफ़ा छूट तो देना मालूम तो है कि अंदर से निकलता क्या है हो सकता उस दुनिया के सबसे सब बड़े ट्रंटीनों तो वो निकले आई रियली बिलीव दिस सिनेमा लाइक पता नहीं क्या है वैशी है भाई हम मैं समझता हूँ हम लोग जो ना हम लोग वाकई में पाकिस्तानी सूफी वाले एरिया के मुसलमान थे श्राइन वाले चल रहे थे हम मोहम्मद बिन कासम के नहीं रेडी थे बॉस हमें वहाँ डाइवर्ट करते ना ज़ोर से हमारी इच्छित पूक निकल जाती है होप टूट जाती है या कुछ होता है आ, हम लोग आई थिंक मुझे मेरा तो एनालिसिस पूरा ना वो ये है कि हम लोग बड़े बीच के हैं सो हमारे वो घर वाले एटी नाइन्टी परसेंट जो लोग हैं ना कि रात को आपने इशा भी पढ़नी है फिर उसके बाद वो आपने स्टार प्लस भी देखना है और कभी कभार वहीं मसले के ऊपर ही टी ऑन कर लेना है सो आप कहीं दोनों दुनियाओं को ना बीच बीच में वो कर रहे हैं अभी आपको नॉर्मली अगर आप देखें कि आपने स्टेज शोज मतलब एक ज़माने में बहुत आम थे बुरे हो गए सारा कुछ हो गया बट अभी भी शादियों के अंदर आप पहले अंदर करते थे आप इंस्टाग्राम यूट्यूब की वजह से वो सारे डांस वो सारी चीज़ें जिस बेटी को आप अलग मे बी किसी ऊबर पे नहीं भेजेंगे किसी उस पर नहीं भेजेंगे बट वो वीडियोस निकल रही हैं देखिए आपने यार इतनी सही चीज़ पकड़ी इसमें बेसिकली थोड़े से हेपोक्रेसी में फंस गया अगर आप आपोक्रेसी ना करें ना आप कॉम बिल्कुल सही है मैं बताऊँ ये ये अगेन वही बात है आपके ऊपर एथिकल मॉरल फिल्टर लगा दिया गया है इंस्टाग्राम का कि ज़रा सा चेक करते रहिए अपने आप को बॉस भाई क्या पोन है देख फुल धड़ल्ले से देखो जो करना है लेकिन फिर बुरा फील ना करो मैं ये कहता हूँ आपको डांस करना है फुल धड़ल्ले से करें बेटी को डांस करने दें आप जाके मुन्नी बिल्लियाँ देखते हैं घर में आके बेटी को कहते हैं यार मेरी बेटी ना कर दे ऐसा भाई क्या होगी आपको मसला क्या है कुछ नहीं कर, कोई नहीं कुछ कर रहा मसला सुसाइड बॉम्बिंग का है बिल्ली का या नाचने से कोई मसला नहीं होने वाला एज सच मसला अभी भी है कि वो जो मुसलमान आता है चलता हुआ अल्लाह के नाम पे हूर के लिए जुम्मे के खुतबे के बीच में सुसाइड बॉम्बिंग करता है वो इशू क्यों नहीं है उसके लिए कोई धरना नहीं होता कोई हंगामा नहीं होता पोलियो के लिए कोई हंगामा नहीं होता लैक ऑफ एजुकेशन के लिए क्योंकि वो डायरेक्टली एक क्लास को जाके वो पकड़ेगी बात को भाई खोलें ईजी करें चीज़ें उसकी कोई बात नहीं कर सकता तो आई थिंक मैं अभी भी समझता हूँ थोड़ा सा मज़हब का जो फिल्टर लगता है ना उसमें कन्फ्यूजन बहुत है हाँ ना हाँ अच्छे लोग टोरेंट भी देख रहे हैं लेकिन अमेरिका को बुरा बोलते हैं मेरे दोस्त <laughs> मैंने कहा बहुत सब अमेरिकन फिल्म देख के टोरेंट पे चोरी से उठा रहे हैं अगर बिल्कुल ही एथिकल बात करनी है ये आपने चोरी की है वैसे अरे जमी भाई आप तो बहुत एनटा पाकिस्तान मैंने कहा एन ट पाकिस्तान नहीं मैंने कहा आप एनटाई अमेरिका बात ना करो अगर देखना तो देखो ये कन्फ्यूजन जो है ना ये बहुत ज़्यादा छोटी बातें फिर लास्टली मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हाउ डू यू डील विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ रिचार्ज या यू नो ज़रा जितना कुछ हो रहा है व्हाट यू हैव थ्रू सो हाउ डू यू लाइक सॉर्ट ऑफ यार आई नॉट से कम बैक बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे वाकई में तंग कर रही है कि इसका इलाज किया है एंड इसका इलाज थेरेपिस्ट भी नहीं दे पाए पहले इन्होंने मेरी दवाइयों पर डाला दवाई उन्होंने तो, तो लीड़ा मार दिया लिटरली डिस्ट्रॉयड माई ब्रेन उस ये वो बहुत ज़्यादा हो गया था वो बंद करी लेकिन फिर एंड में मुझे एक चीज़ समझ में आई बॉस जो कि मोटी मोटी मैंने अपने फैमिली को बोला नॉट माई चिल्ड्रेन वाइफ माई ब्रदर्स एंड एवरीबडी मैंने एवरीबडी वो चले मी थोड़ा सा मेडिटेशन एंड योगा एक पॉइंट के बाद ना यार मैं थक गया मैंने कहा यार I काट इवन ब्रीद डोंट टेल मी टू डू योगा बिकॉज अब ये ट्रोमेटिक हो गया मेरे लिए क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ योगा मेरे लिए थेरेपी यह है कि यार ये ई मेल एड्रेस है चीफ एडिटर ऑफ डॉन ओमवर्ड्स मैन आपने ट्विटर पढ़ ल मेरा देख रहे हैं पाँच हज़ार पोस्टें मैंने की हुई प्लीज़ कोई है दुनिया में जो इनको ई मेल कर दे आपने काम करना है आपने ये ई मेल का बटन दबाना है और ये मेरे लिए थेरेपी है बाकी मैं अपने आप को खुद सही कर लूँगा आप लोग मेरे को, को दुनिया में कोई आदमी हेल्प नहीं कर सकता मुझे अब समझ में आ गया बॉस मेंटल हेल्थ में कोई माइकल लाल हेल्प नहीं कर सकता चाहे वो आपका बेटा बेटी क्यों ना हो क्योंकि आधे घंटे तक आप सही रहते हैं उसके बाद आप वापस जाते हैं कि ज़रा कोरोना मुझे क्यों बोला और दूसरा ये ना कि ये भी वो मोटिवेशन की तरह मोटिवेशन आप सुन के मोटिवेशन टॉक तो वो एक मोटिवेशन है देन उसके बाद फिर आप यार इलाज ही नहीं हुआ आप इस तरह देखें मैं अपनी किसी को ये समझा रहा था आप हॉस्पिटल में भागते हुए आप ट्रामा में वैसे एक बंदा आया ट्रामा में आया अब आप, आप फिजिकल ट्रामा ले रहे हैं मैटर फिजिकल नहीं कि ब्रेन में आपको हो रहा है कुछ एयोटा कटी हुई है ब्लीड हो रहा है आप उसको क्या बोलेंगे या तुम यहाँ बैठो हाथ ऊपर करना ज़रा अच्छा अब तुम डाउन डॉग डॉक पोजिशन में आना अब भाई सर खून जोश जज्बा अभी सब सही हो जाएगा नहीं ना <laughs> मन करते हैं आप एयोटा पर हाथ सकते हैं फौरन यार ये करना है तो फिर वो मुझे समझ में आ गया कि फिजिकली कोई चीज़ नजर नहीं आ रही है तो कोई फिजिकली आपकी हेल्प ही नहीं कर सकता बेचारे खाली बोल सकते हैं और वो एक तरीके से बोलना चाहिए क्योंकि मैं भी मैंने भी इतने दिन बाद सीखा कि यार किसी भी विक्टम से मैं मिलता हूँ ना यार मैं बैठ जाता हूँ hmm. मैं किसी भी रोड पे आपको पागल चलता हुआ ना बड़ाता बोड़ जा रहा है मैं गाड़ी रोक के ना उसको जाता हूँ अगर खाना हाथ में खाना देता हूँ अगर हज़ार का नोट है मैं हज़ार का नोट दे दूँगा अगर पाँच हज़ार का नोट है मैं पाँच हज़ार का दे दूँगा मैंने कहा ये दिन किसी पर ना क्योंकि आई हैव सीन द एज कि मैं लूप में फंस गया था एक दिन और मेरा लूप बंद नहीं हो रहा था मैं चार दिन सोया नहीं मैंने कहा यार ये मेरे दोस्त है हसन जैदी दोस्त है मेरा ये क्यों नहीं लिखता अरे बीवी कहा हम ही नहीं लिखेगा पर लेकिन क्यों एंड किसका जवाब नहीं है हसन से भी बात करो वो जवाब नहीं देता आई टू टू गो खान आई है आपका मेंटल वार्ड का कि वर्ड काट है मेरी अम्मी कॉट है यार मेरे को बस वहाँ जाकर छोड़ दे अंदर देखिए क्यों मैंने कहा मुझे सुला दें बस आई नीड टू शट दिस डाउन क्योंकि मेरा बंद नहीं हो रहा वो चार दिन का लूप देना आई अंडरस्टूड ये लोग बड़बड़ाते जा रहे होते हैं ना यार मैंने कहा सॉ दैट मैंने कहा नेवर अगेन दे ट माय फोन अवे थ्री डेज के लिए उन्होंने मुझे अब ठक मारी है और मैं उन सब के साथ रहा हूँ जो वर्न फ्लू नेस में थे सब बच्चे थे वहाँ पे अच्छे खास बड़बड़ा रहे थे यार आई सॉ सीरियस शर्ट के यार अच्छा ये एज क्रॉस करने के बाद ये हाल होता है देन आई वेंट बैकवर्ड स्लोली 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 चीज़ों से हटा लहूती मेले की चीज़ों से हटा स्लोली क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मसला है कि सब लोग आए सैफ समय जो आया ये लोग आए इस लड़की को हम जानते हैं हमारी लड़की है, इसके साथ असल्ट हुआ है एंड देन जब मैं आया उस जब मुझे बोला गया लेटर पढ़ने का यू नो डैट ना मैं लेटर पढ़ा मुझ पर केस हो गया जब मैं आया तो अपने डॉन के केस के साथ आया था लड़ने मेरे पास अपनी एक जुल्फ थी मैं उससे साथ लड़ने लगा तो ये सब डर गया भय से ये क्या हो गया दे बैक ट्रैक्ट दे सेट सॉरी टू दैट पर्सन फॉर गेटिंग मेरे पे केस चल रहा है सो कोर्ट केस मैं पाकिस्तान आता हूँ पाँच लाख रुपए का टिकट लेके आता हूँ चार साल से हर महीने आ रहा हूँ खाली एक अपोलॉजी कर दूँ क्या सर गलती हो गई आप माफ़ कर दें मेरे को मैं केस ख़त्म हो जाएगा मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस इंसान की और छः सात लड़कियाँ और आ गई हैं तो मुझ पर अब लाजिम है कि मैं पहले वो इजात दे दें कि यार आग, ओके आप बैक ट्रैक अपनी ज़िंदगी से आज़ाद हैं छोड़ दें केस जब वो मुझे आज़ाद कर देंगे लेकिन पॉइंट ये है कि वो जो एक लूप बनाना मेरे लगती थी मेले के लोगों ने ट्विटर पर आके आठ पेज पे जाके सॉरी बोला कि हमसे गलती हुई देरेंट से सॉरी टू तो मी मैं तो वहीं फंसा रह गया मुझे छोड़ कर सब निकल गया चार छः लोग मेन यार वो मुझसे हज़म नहीं होता एक तो डॉन वाला केस के दोस्त तो मैं मेरे लिए वो जो लूप है ना बड़ा डेंजर है कि यार इस मुल्क में हम जो आर्टिस्टिक बात करते हैं कि ये सब ये क्या है मेरे लिए अब जो सबसे बड़ा ख़तरा है कि यार मैं कभी ज़िंदगी में किसी के लिए खड़ा होऊंगा या मैं दस दफ़ा सोचूंगा एंड दैट इज़ सो सैड दैट इज़ रियली सैड कि ये वाली बात है ना कि गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है रोड पर, पर पड़ा देखो ना आप चल चलो चलो, चलो कोई बात उठा नहीं उठाओ नहीं भाई क्यों नहीं उठाओ उसको उठाना है अरे एफ कट जाती है अब मैं दस दफ़ा सोचता हूँ बॉस कि मैं आर्मी के वाले में बोलूँ या नहीं बोलूँ एंड दैट इज़ रियली सैड दैट इज नॉट माई पर्सनलैटी मेरी पर्सनलिटी जो करना उठा लो मैं दोबारा जाऊँगा मैं रिकॉर्डिंग करूंगा फिर लेके जाओगे बजे वहाँ पर मैं फिर रिकॉर्डिंग करके डाल दूँगा सैड यह कि वो रिकॉर्डिंग डालने के बाद भी लोग कहेंगे यार मजा नहीं आया वो बात नहीं थी आपके उस गेम में वो बहुत ख़तरनाक है बहुत और वट इज़ योर बिगेस्ट रिगरेट इन लाइफ आज के दिन में बोल सकता हूँ कि कमिंग आउट एंड से नाम मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यार सब हट जाएंगे डर जाएंगे चुप हो जाएंगे बैगिंग so, really चार छः लोगों मैंने लिटरली बैग किया मैसेज में मसल से हमें मुबर जह इज अ नाइस का है हर चीज़ पे ट्वीट पे भी करता है लेकिन मैं मैसेज पर भेजता हूँ मैंने कहा मुबशर भाई बस एक ट्वीट कर दे मेरे नाम पर जामी ले कॉन्टैक्ट चीफ एडिटर बस मेरी साइड ना ले बहुत सब बातें करते हैं ठक बंद हो जाता है जिसको टच करो ठक बंद हो जाता है उस बात पर यार ये मेरे को हज़म नहीं हो रहा है बस मेरे को नहीं हज़म होता कि ये इतने बड़े लोग चुप कैसे होते हैं मुझे चुप होना नहीं आता है लेकिन ये वो लोग हैं जो पूरे दिन बोलते हैं मैं उनको टच ही नहीं करता जो खामोश रहते हैं मैं उनको टच करता हूँ जो कि पूरे दिन बोलते हैं बस वो मेरी बिगेस्ट एवटेड बनी क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ वाई जिस दिन मैंने बोला है ना मैं तो जोश में गुस्से में आके बोल दिया क्योंकि लड़कियों के ऊपर हो रहा था अटैक अली र के चक्करों में कि लड़कियाँ झूठ बोलती हैं तो फिर मैंने बोला यार झूठ कोई नहीं बोलता ये पाकिस्तान में कोई पागल का बच्चा होगा जो आएगा क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि दूसरे दिन मेरे बच्चों को कॉल आएगी उसके दोस्तों की मुझे यार मैं भूल गया यार मेरी बेटी रोती भी कॉल की अब्बा व्हाट इज दिस हेडलाइन वो अमेरिका में थी उसको यहाँ के आईबी के के बच्चों ने दोस्त ने भेजा हेडलाइन लगा के भेज दी एंड मेरा लड़का यार जैज ड्रमर रिप्लैश देख के बनाया वो अच्छा खासा खुश लड़का ना चुप हो गया वो यार वो ये रिग्रेट जो है ना ये ज़िंदगी में है कि मैं आया क्यों मुझे नहीं पता कि इतनी मतलब इतने एलिट जर्नलिस्ट इतने छोटे हो सकते हैं इतने डरपोक हो सकते हैं कि एक बॉस के चक्करों में चुप हो गए या बॉस के या मुझे ज्यादा खतर तकलीफ इस बात की शायद रात में साथ बियर पीते हैं वहाँ शायद शक्ल ना दिखा पाए मुझे इसकी ज़्यादा खालिश है बस वो बहुत बड़ा कीड़ा है मेरे लिए और इसकी वजह से प्रोफेशनली आपको क्या या प्रेशर या कोई काम मेरे लोग हट गए दे थॉट कि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया हूँ बात अग्रेसिव होने की है जब किसी के साथ होता है किसी लड़की के साथ या किसी आपकी बेटी के साथ होगा आपको एक चरिया चाहिए बॉस मैं बताऊँ आसमान जाएंगे टाइप नॉट नॉट डेट के आई एम आपको एक चरिया चाहिए सभी महमूद टाइप मैं आपको, बता आपको। बात बताऊँ आपको सॉरी बात लंबी हो जाती है मेरे को सैफ़ समीजों ने टी टू एफ़ में टी टू एफ यू नो टी टू एफ ना सभी महमूद मीटिंग करवाई आई थॉट को मीटिंग है एक्टिविज़म की या दिस इज़ अ चैप्टर अच्छा मैं गया तो वहाँ राफ़ि महमूद था एक्सप्रेस ट्रिब्यून वाला हु न्यू एवरीथिंग वे बिफोर कौन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ किस बंदे ही न्यू बिट उसके ऑफिस में बैठ के मैं बताया था उसको खैर दूसरा वो अरीब आज अच्छा मैंने कहा यार मेरी हेल्प मैंने कहा वाह ओके आज तो मेरे लिए लोग खड़े हो रहे हैं आई एंड हैड नो आइडिया के अरीब ने बोला किया अरीब ने कहा जामी यू आर एंग्री मैन यू नो देट मैंने कहा चलो मैंने कहा यार थोड़ा सा एंग्री तू नो नो जब यूर एंग्री एंड यू टेकिंग डाउन अवर आई कॉन्स मैंने कहा शिट मैंने कहा होली वेट वेट होल्ड व्हाट यू सेइंग हु इज योर आइकॉन कॉन मैंने कहा डॉन एंड नो मैंने कहा रीव होल्ड मतलब वाइनस्टीन भी किसी का आइकॉन था जहाँ लाइन क्रॉस होती है वो आईकॉन हो या ना हो बात कुछ और हो रही है इस वक्त फिर राफे बोला फिर नहीं आप समझ जी ने बात को इस तरह तो आप थोड़ा सा इजी हो जाएं थोड़ा सा हल्का बात किया करें शुक्र है वहाँ पे एक और लड़की बैठी थी मेरी लॉयर की बहन निकली वो सारा नाम था उसका वो टी टू एफ चलाती है अरीब आर, चलाता है टी टू एफ उसको एंडलब अरीब आप लोग भूल के आ रहे मेरे को कि मैं चुप हो जाऊँ क्योंकि वो एक आ, प्रोग्रेसिव लेफ्ट का आइकॉन है तो मैं ग़लत हूँ यार मेरा तो ईमान उड़ गया लेफ्ट प्रोग्रेसिवनेस से कि जब आप लेयर्स को जान के टच नहीं करते जहाँ आप सब चीज़ों को जज कर सकते रिसर्च में टच नहीं करना चाह रहे आप यहाँ पर रोक रहे मेरे को अरीब में मैंने कहा यार अरीब ये टी टू एफ है सबीन महमूद की जगह आज वो नहीं है यहाँ पर तो ये बात हो रही है कि मैं बात ना करूँ वो तो शुक्र है उसकी उसकी दोस्ती उसने उस अरीब को सुनाई है यार आप होते कौन है बोलने वाले जामी को कहीं बात नहीं कर सकता क्यों नहीं बात कर सकता सोचें अरीबर बजर कम्युनिस्ट टाइज सेंसर मुझ पर आज गैग ऑर्डर है डॉन की तरफ से मतलब डॉन सी की तरफ से गैग ऑर्डर है सेंसरशिप को से लड़ने वाले की तरफ से तो प्रोग्रेसिव्स का अगर हिम्मत है ना बॉस छोड़ दो मेरे को मुझ पर गैग ऑर्डर मत लगाओ अपनी शक्ल दिखा दो आगे वीडियो में कि जामी झूठ बोल रहा है मैं अपनी वीडियो में आके शक्ल दिखा तो हमेशा कि कोई लड़की झूठ नहीं बोल रही ना मैं झूठ बोल रहा हूँ और जिनके लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ लाहौती मेले में उस लड़की से भी मैं मिला हूँ वो झूठ नहीं बोल रही है लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो आप बोल दें नहीं आएंगे सामने तो मेरे को नहीं रोके आप मेरे को नहीं रोक सकते क्योंकि आप ही प्रोपोगेट करते रहें ट्रूथ को नहीं रोका जाता सेंसरशिप गलत बात है आज सब ने मुझे सेंसर किया है सारे जर्नलिस्ट अच्छे लोगों ने उसमें बहुत अच्छे भी जिन्होंने मेरे साथ खड़े हुए हैं मैं आप दोबारा खुल के बोलता हूँ काफ़ी स्पेशली औरतें हैं इस टाइम मेरे लिए मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वहाँ काम करती हूँ वो या क्या औरतें हैं मैं बताऊँ कुछ है आई थिंक औरतों में होता है कि माँ है तो उनमें एक एक शायद ऑर्गेन ज़्यादा है एथिक्स का वो पॉप इन कर जाता है मर्दों में बहुत शीट्स हैं या देखो मुकम कर लेते हैं या को भाई बात मिल लंच पे डिनर पे सेटिंग हो जाती है या मैं और नहीं करता सेटिंग मुझसे सेटिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि ये ट्रॉमा इज फिजिकल ट्रॉमा इज डिफरेंट मेंटल जो ना वो वो फाइल रेंडर होकर आउट नहीं हो रही है hmm. तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ वेरी ट्रोमैटिक बट इट कीप्स माई एक्टिविज्म आ लाइफ जो कि पी में भी चल रहा है ख़ासाब में भी चल रहा है आसमु मुनि पर भी जाता है सब पे वो लेर अप्लाई होती है तो देट इज़ इंटरेस्टिंग आई थिंक बट इस अगर ये हेल्दी हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और प्रॉपर हो जाए अच्छी बात यह होगी काश हो जाए अगर जस्ट लास्ट क्वेश्चन ब्रीफली इफ़ यू कैन टॉक लिटिल बिट अबाउट कि आगे क्या प्लान्स हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक एनी फिल्म एनी आई डोंट नो म्यूजिक वीडियो लाइक इन द नेक्स्ट ऑफ म्यूजिक्री टू सिक्स और नाइन मंथ्स आर वी एक्सपेक्टिंग समथिंग यार मैं एक करोड़ रुपए ढूंढ रहा हूँ अभी आई एम राइटिंग फिनिश्ड फिल्म फिनिशि बहुत ज़्यादा गुलरमा डिल दुनिया में एंड वो मैं दिल में आई थी एक का दिल में स्टोरी जा गई एक चीज़ देख के एक स्टोनिंग ऑफ अ गर्ल आई सॉ लीक वीडियो थोड़ा सोलह साल की लड़की को उन्होंने स्टोनिंग हुई थी इसमें यह होता है कि लड़की को पता नहीं चलता लड़की का नाम नहीं लीक होता कभी भी विलेज से बाहर तो किसी का नाम ही नहीं पता जो स्टो स्टोनिंग हुई है अभी चार तीन चार लड़की थी ताजियाँ बाजार मार दी गई पता नहीं जिंदा है नहीं है नाम क्या था भाई किधर है वो सब सब खत्म हो गए मर गए सब फिनिश्ड हो गए मरे हैं नहीं आई डोंट नो लेकिन है नहीं वो hmm. मैंने कहा यार दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो मेरे कहा सब सिंपल बजट में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म जो कि बहुत एक्सट्रीमली एब्स्ट्रैक्ट हो hmm. तो वो मैंने भी फिल्म लिखी है कि एक एक, एक, एक प्रोटैगनिस्ट है जो कि स्टोनिंग हुई है एंड शी सर्वाइव इट तो जो सिंकोप होती है ना सिंकोपी जो होती लास्ट मिली सेकेंड्स ऑफ दैट मोमेंट उसकी स्टोरी है कि सी थिंग्स ही सर्वाइव्ड थिंग्स रिच इज डाइंग लव स्टोरी बिटवीन टू वूमेन जो उसकी दाई थी और उसको लव स्टोरी भी नहीं है एक दो औरतें मिली थी एंड वो एक यूनिवर्स में एक स्पार्क हुआ था वो उस मोमेंट को याद कर रही है सिंकोप में मिली सेकेंड्स में तो मैंने कहा यार ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए खाली इसलिए कि मुझे कोई ऑस्कर नहीं चाहिए इसे लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लड़कियों की बात होना ज़रूरी है थोड़ा सा ये खलिश है कि नाम भी नहीं आएगा पैदा हुए थे तो कभी वो मर गए पता ही नहीं चलेगा यार ये बड़ा कीड़ा है mm. तो ये एक एक चीज़ है मैं हाल में मैं टेस्टिंग तो शुरू कर दी कैमरे की मैंने आ, मैंने नया एक, एक, एक नाइक जी नाइन लिया उस पर लेंस लगा के टेस्टिंग शुरू कर रहा हूँ आरी फ्लैक्स है आरी इज थ्री पॉइंट टू के मैक्स फ्यूचर इज ऑल फोर के दैट इज एट के तो मैंने कहा यार अगर काम तो कुछ तो कीड़ा शुरू हुआ वंडरफुल Thank you so much for your time. Uh, no, it's really, really uh, great talking to you, and I think I'm the coffee is other cheese covering, and that's probably the longest, I think, episode so far. Yeah, to up. you guys are the only one, just in me. Yeah, it's great talking to you. Thank, thank you both. <laughs>